खबरों का देश भर में महिला के खिलाफ अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कई मामलों में महिलाएं चुप रहकर अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को सहती रहती हैं, तो कई बार अपने हक की आवाज़ उठाने पर उन्हें मारने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही मामला रीवा जिले से देखने को मिला, जहां महिलाओं पर मुरम डालकर उन्हें जिंदा दफनाने की कोशिश की गई। हिनौता जुरोट गाँव की घटना से पूरा देश स्तब्ध है, या आखिर अपराधियों की इतनी जरूरत कैसे हुई। ममता पांडे और आशा पांडे ने अपने पट्टे की जमीन पर रास्ता बनाने का विरोध किया, तो डंपर संचालक ने उन पर मोरम डालकर दफनाने की कोशिश की। इस मामले में सीएम मोहन यादव ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना की असल वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस के आला अधिकारी इस घटना की वजह और नैरेटिव को बता पा रहे हैं ठीक वैसे ही, या फिर सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है? देख दबंगई सरहंगों की, अपराधी मखौल उड़ा रहे हैं कानूनों की। ये लाल मुरुम का ढेर जो दिख रहा है, जितना गला मेरा अभी आपको दिख रहा है, इतने ही गले तक कल दो महिलाएं यानी प्रदेश की नारी शक्ति स्वरूपा इसी तरह उनका गला बाहर था और पूरा शरीर इस मुरुम की ढेर के नीचे दबा हुआ था, और अगर देर हो जाती तो उन महिलाओं की जान भी जा सकती थी। बामुश्किल किसी तरीके से जद्दोजहद करके उनको निकाला गया और वो होशी की हालत में बाहर निकली। उनको रीवा हॉस्पिटल एडमिट किया गया, लेकिन रीवा हॉस्पिटल में लगातार मीडिया का जमावड़ा हो रहा था, लगातार पत्रकार आ रहे थे, लिहाजा प्रशासन इस पर पर्दा डालने के लिए और लीपापोती करने के लिए, रफा दफा करने के लिए जो पीड़िता थी उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया गया, ताकि ये मीडिया में मामला काफी सुर्खियों में ना आए। लेकिन जब जैसी ही पीड़िता घर पहुंची तो उनकी हालत जो है वो बिगड़ने लगी और दोबारा उनको पुनः एडमिट कराया गया। तो इससे साफ समझा जा सकता है कि आखिर किस तरीके की कोशिशें की गई हैं अपराधियों को बचाने और फरियादियों में भय पैदा करने के लिए। पीड़ित महिला ममता पांडे जिले के पुलिस कप्तान से शिकायत करने पर आरोपियों की तरफ से जिंदा दफनाने की दरिंदगी से सदमे में है और सवाल खड़े कर रही हैं कि पुलिस की अनदेखी और आरोपियों को शह देने से ये घटना घटी, वरना शिकायत करने के बाद भी अपराधियों के जान से मारने की जरूरत कैसे बढ़ती। इस मामले में पीड़ित ममता पांडे और आशा पांडे के पति ने 13 जून को SP विवेक सिंह को शिकायत पत्र सौंपा था, जिसमें घटना को लेकर जानकारी दी गई थी, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई। इस कारण आरोपियों के हौसले और बुलंद हो गए। प्रदेश की नारी शक्ति स्वरूपा को मुरुम की ढेर में गले से लेकर पांव तक दबाने से लेकर हॉस्पिटल के बेड तक, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं। नारी शक्ति स्वरूपा जिन्हें गाड़ने का प्रयास किया गया, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गगेव थाना अंतर्गत हिनौता गाँव में आज वो बेड पर पड़ी हैं। ये पूरी घटनाक्रम और कहानी उनके खुद जुबानी जानते हैं। ममता जी, क्या घटना हुआ था? एक महीने पहले से ही चल रहा था, फिर SP ऑफिस में हम लोग आवेदन दिया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, जब आप लोगों के ऊपर कैसे मुरुम डाली गई? हमारे धक्का देने के कारण। अच्छा, कितना आप लोग दब गए थे, कैसे जान बचाई? हमारे ऊपर एक फाइबर पड़ गई थी मुरुम, पब्लिक इकट्ठा होकर फरुहे में बचाई हम। अच्छा, जब चीख पुकार हुई तो। अच्छा, क्या मानती हैं आप कि जब आपने जिले के पुलिस कप्तान SP को आवेदन दिया था एक महीना पहले, अगर कार्रवाई होती, सख्ती बरती जाती, तो क्या अपराधियों के इतने हौसले बुलंद होते कि आपके ऊपर एक डंपर मुरुम डाल दिया जाता? नहीं, कार्रवाई होती तो नहीं होती। आशा पांडे भी हैं, ये भी उस वक्त मौजूद थीं। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखती हैं? प्रदेश सरकार तो काफ़ी संवेदनशील है महिलाओं को लेकर, लेकिन एक अपराधी आपके ऊपर पूरा डंफर का मुरुम डाल देता है, और वो भी तब जब पुलिस को आवेदन आप लोग दे चुके होते हैं तब? कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस के द्वारा, इसलिए पुलिस हम लोगों को धक्का मार के मुरुम के नीचे दबा दिए, बोलेंगे जान से मार डालना है, लेकिन भागते भागते हम सीना के नीचे तक दबे थे, ऊपर मेरा नहीं दब पाया था। फिर इसके बाद निकाल के रखे, तब पुलिस वाले आए, फिर सीधे हम लोगों को लेकर चले गए गंगेव में, पहले दवाई कराएं, फिर चौकी गए, वहाँ लिखाएं।
रीवा जिले में ध्वस्त होती कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष पीवी श्रीनिवासन के नेतृत्व में प्रोटेस्ट किया गया। कांग्रेस इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, लिहाजा प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में एसपी कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखती हैं और खासतौर से जब महिलाओं से जुड़ा इतना संवेदनशील मुद्दा है, कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? देखिए, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। आज महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हों या विधायक हों या महिला नेत्रियाँ हों, सारी मौन बैठी। दो महिलाओं को जिंदा गाड़ देने का प्रयास होता है और उनको बचाने का, अपराधियों को बचाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, जिस तरह का ये कृत्य हुआ है, आज आवश्यक है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। आखिर ऐसा वातावरण क्यों बन रहा है जिसमें अपराधी खुलेआम महिलाओं के साथ अपराध कर रहे हैं और आज प्रशासन हाथ बांधे हुए राजनीतिक नेताओं का मुंह देखता है। आज महिला कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। अब आइए जिले के पुलिस कप्तान विवेक सिंह का इस घटना पर बयान सुनवाते हैं, इससे आप घटना की सच्चाई और जिम्मेदारों की नाकामी से पर्दा उठ जाएगा। इस पूरे मामले में आप कैसे देखते हैं और क्या क्या एक्शन हुए, कितनी संवेदनशीलता दिखाई गई है? नहीं, निश्चित रूप से पूरी संवेदनशीलता दिखाई गई है। घटनाक्रम जैसे हमारे संज्ञान में आया था और उसके पहले उसमें भी नहीं आया था, कहीं मीडिया कहीं उसमें किसी उसने भी नहीं उठाया। उसके पहले हमने इसमें तत्काल ही कायम ही कर दिया था और उसमें डायरेक्टली हमने 110 यानी कि जो 308 होता है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर, उसमें हमने कायम ही किया था और विवेचना की जा रही थी। पीड़िताएँ जो थी उनके इलाज के लिए भी हमने बात कर रखा था तो उनको इलाज भी प्रॉपर मिल जाए और सारी चीज़ें भी की थी और उसके बाद पीड़िताओं के डिस्चार्ज होने के बाद उनके जो कथन हुए थे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 5 आरोपी बनाए गए, उसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए और डंपर भी जब्त हो चुका है। इस घटना के बाद से ही पीड़ित महिलाएं सदमे में हैं। महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटना होना शर्मनाक है, जहां एक ओर सरकार महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक करती है, वहीं शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करना पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है।